अब लोग क्रेडिट ले रहे हैं, पर पिछले 5-6 साल से जो लोग क्रेडिट लेने वाले थे वो लोग कहाँ थे? कोई भी विकास कार्य हो उसमें सबकी साझेदारी रहती है। कोई एक व्यक्ति सारा विकास करा दे वो संभव नहीं होता। सब जाना है कि इतनी बड़ी योजना बगैर सब प्रदेश सरकार के तो हो नहीं सकती, तो इसमें मूल रूप से जो है मैं समझता हूँ ये सरे निशंक जी को। क्या वो सोए हुए थे? अक्षेत्र में आकर के उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा सड़क मार्ग जिस पे उत्तर प्रदेश तक के लोग चलते हैं वो इतनी खराब स्थिति में है, तब उनकी आंखें नहीं खुली, आज आए और क्रेडिट लेने चले आए। और राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर है। इलेक्शन से पहले बनने की संभावना है कि इलेक्शन से पहले बन जाएगा? 9 महीने का वक्त है अभी। मुझे लगता है कि काफी कुछ बन गया होगा, हमारी कोशिश होगी कि तब तक बन जाए। नहीं, चुनाव से पहले ही इसकी सड़क बन जाएगी और चुनाव के बाद भी, चुनाव में जीत कर भी और दूसरी योजनाएं लाएंगे केंद्र से। ये झबरेड़ा मंगलोर सड़क है, जो सड़क कई सालों से ऐसे ही है। सड़क टूटी हुई है, बरसात होते ही स्थिति खराब हो जाती है। गड्ढे कितने हैं जिसको गिनना बहुत ही मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि आज इस सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है। स्क्रीन पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं पीछे जो बैनर लगा हुआ है कि बीरपुर झबरेड़ा मंगलोर मार्ग स्वीकृत कराने के लिए माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। जाहिर सी बात है कि इस समय हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, वो इस सड़क का, अब बात आती है कि उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद और आभार उनका व्यक्त किया जा रहा है। ये जो क्षेत्र है ये झबरेड़ा विधानसभा में आता है और सड़क कई वर्षों से इसी स्थिति में है, कई वर्षों से सड़क इसी स्थिति में है। आप जब भी सड़क पर आएंगे तो आपको ये दिखेगा, गड्ढे दिखेंगे, और बरसात हो जाती है तो बरसात तो पूरी पोली खोल देती है। आज इस कार्यक्रम के पीछे का कारण क्या है ये चीज़ हम जानेंगे और बात करते हैं। मानवेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का जो कार्यक्रम है क्यों है, किस लिए है? अखिलेश जी, आपका झबरेड़ा में बहुत बहुत स्वागत है। एक झबरेड़ा की मुख्य समस्याओं में से एक जो झबरेड़ा का जो बॉर्डर लगता है झबरेड़ा में उत्तर प्रदेश का, बीरपुर गांव से लेकर के और मंगलोर तक की एक मुख्य सड़क मार्ग झबरेड़ा की एक सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक थी, जिसका निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे थे जिसके निवारण के लिए। और झबरेड़ा नगर पंचायत के लोगों ने 15 मई सन 2022 में माननीय निशंक जी को एक ज्ञापन दिया था इस सड़क को बनवाने के लिए, और वो प्रस्ताव निशंक जी की तरफ से जा कर के आज धरातल पे उतर करके आज का कार्य प्रारंभ। सवाल मैं कह रहा हूँ, ये जो सड़क है इस स्थिति में, इस परिस्थिति में कितने वर्षों से है? देखिए, कितने वर्षों से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि हाँ कितने वर्षों से, चूँकि आप चेयरमैन हैं तो आपको आइडिया होगा और भी, और लोगों से मिलते जुलते होंगे आप, तो हम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने वर्षों से तकरीबन इस स्थिति में है? लगभग ये 4-5 साल से इस स्थिति में है ये सड़क, और ये सड़क इस स्थिति में इसका पैचवर्क तो 4-5 साल में कई बार हुआ, पूरे उस पर पैचवर्क इसमें होता रहता था, लेकिन पैचवर्क जो है उसकी कुछ मूलभूत समस्याएं ऐसी थी कि जहाँ पानी जल भराव अगर रह जाएगा तो पैचवर्क नहीं रुकता था। तो अब की बार जो प्रस्ताव इसका बना है, विशेषकर हमने एक्शन साहब से अभी भी बात की थी कि इसमें थोड़ा सा रोड में टेपर दिया जाए ताकि जिस तरह से इसमें जल भराव की समस्या है वो दूर हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि 4-5 साल से स्थिति एज इट इज़ है, आपके विधायक थे झबरेड़ा के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, तब से सड़क बनी नहीं, विधायक बदले तो विधायक ने भी एक ढोल गाजे बाजे बजे कि सड़क जो है बनेगी, कौन बनवा रहा है, किसकी मतलब कौन इनिशिएट किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर क्रेडिट का ही मामला है कि क्रेडिट कौन ले रहा है, कौन कभी निशंक जी के काम को कोई और क्रेडिट ले रहा है या किसी और के काम को निशंक जी क्रेडिट ले रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब कई विधानसभाओं में खानपुर विधानसभा का भी जिक्र हुआ होगा, यहाँ पर क्या मामला है, एक चीज़ बिल्कुल ही मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर कर दें कि मामला क्या है। देखिए, कोई भी विकास कार्य हो उसमें सबकी साझेदारी रहती है, कोई एक व्यक्ति सारा विकास करा दे वो संभव नहीं होता, लेकिन इस कार्य में विधायक जी की भी सकारात्मक भूमिका रही, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उनकी भूमिका सकारात्मक नहीं रही, लेकिन ये प्रस्ताव 15 मई 2022 में निशंक जी को झबरेड़ा जब वो आए थे तब ये दिया गया था, मैं उस टाइम की भी आपको फोटोग्राफ्स भी आपके साथ साझा कर दूंगा, और इस पर निरंतर निशंक जी का दबाव बना हुआ था विभाग के ऊपर
कि ये सड़क जल्दी बने, और आज उसका जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जब उद्घाटन क्या मैं आपको कहूँगा कि एक डिमांड झबरेड़ा वालों की तरफ से ये भी गई हुई थी कि उद्घाटन नहीं उस दिन हम स्वागत के लिए प्रोग्राम रखें जिस दिन इसका कार्य प्रारंभ होना हो। तो ये भी इससे भी आगे की बात यह है कि इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत ये पैसा आ रहा है? राज्य योजना का है, केंद्र सरकार का है? ये राज्य योजना के अंतर्गत ये सड़क बनने जा रही है और राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर है। कितने समय में बन जाएगी ये? देखिए, इसके लिए तो अब कार्य शुरू हो जाएगा क्योंकि बरसात हमारे सिर पे है, तो जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ की वजह से जो देरी होंगी वो तो होंगी। मतलब इसलिए एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ठीक है, अब बरसात के समय शुरुआत कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है, प्लानिंग का विषय है कि किसने किस तरीके से प्लानिंग की, कि किस समय शिलान्यास करना है, कब से शुरुआत करनी है, ये विषय प्लानिंग का है, प्लानिंग की बात मैं बाद में कर लूँगा। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा? क्या 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उससे पहले हो जाएगा, उससे बाद होगा, बस इतना बता दीजिए। देखिए, विषम परिस्थितियों में अगर कोई कार्य शुरू किया जा रहा है तो उसकी सारी जो समस्याएं होंगी वो इस टाइम ठेकेदार के सामने आ जाएंगी। तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ कि बरसात के मौसम में यहाँ पे इस तरह से कार्य प्रारंभ करने के लिए ठेकेदार ने पहल की, ताकि जो अब जल भराव की जहाँ समस्या है, जिस टाइम मैं आपसे रोक के बात कहूँगा, जल भराव की जिस टाइम समस्या है, अगर उस टाइम पर यही सड़क बारिश के मौसम के अलावा अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो ये नहीं पता लगेगा कहाँ जल भराव है। तो ये अच्छा टाइम है, बननी चाहिए, क्योंकि अभी तो इसमें समझ रहा हूँ मगर कितने समय में पूरा हो जाएगा? क्या 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसके पहले हो जाएगा ये बन के तैयार, या उसके बाद होगा? देखिए, मेरे ख्याल से ये 3 से 4 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाना चाहिए, और मेरी अभी ठेकेदार साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बात रखी थी कि अगर कोई नेचुरल क्लाइमिटीज़ कुछ इस तरह की नहीं आती हैं कि बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो हम परेशान हो जाएंगे, अन्यथा हम बरसात में भी काम करने में सक्षम हैं। अगर मैं जुलाई से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जुलाई से मार्च तक तकरीबन 9 महीने हो जाएंगे, आप 3-4 महीने का आप ये डेडलाइन लेकर चल रहे हैं, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 6 महीने में भी हो जाए तो भी इसका मतलब 2024 का जो चुनाव, उस चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। हाँ, मेरे को भी यही आशा है और प्रभु से प्रार्थना भी यही है, और प्रभु जो है कोई भी कार्य होता है वो प्रभु के ही आदेशों पे होता है, तो मुझे तो यही आशा है कि ये लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वोटों का बड़ा ही फ़र्क पड़ता है और वोट में विकास कार्य बड़े ही रोल प्ले करते हैं कि आखिर किस वक्त कौन सा काम किया गया है। काम अगर पहले हो जाता है तो वोट बदल जाते हैं, वोट जो देने की संख्या है वो बढ़ जाएगी, बीजेपी पार्टी को बढ़ जाएगी क्योंकि बीजेपी पार्टी काम कराएगी, विधायक जी काम कराएंगे तो विधायक जी के प्रति वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट जो है इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जो सड़क आपको टूटी हुई मैंने दिखाई थी, वो सड़क अब टूटने के बाद थोड़ी सी जुड़ेगी, क्या सही तरीके से बन जाएगी, और ये इसका जो जुड़ाव है वो मंगलोर विधानसभा तक है, झबरेड़ा से शुरू होगी और मंगलोर तक चली जाएगी। और मंगलोर विधानसभा से चुनाव लड़े दिनेश सिंह पवार जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब एक सड़क तो यहाँ से वहाँ तक बन जाएगी, कैसा, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कि जहाँ पर भी केंद्र में सरकार है या राज्य में सरकार है, सबसे ज़्यादा ध्यान सड़कों पर, राजमार्ग पर दिया गया है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं हो जो टूटी फूटी हो वहाँ पर, क्योंकि जब तक आवागमन का मार्ग सही नहीं होगा, जब तक कोई प्रगति नहीं होगी, तो इसलिए जहाँ पर भी है, आपने जितने भी सड़कों का जाल देखा होगा सब भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में बने हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार के केंद्र की योजनाएं हो, चाहे वो राज्य की योजनाएं हो, और उसमें ये सड़क कुछ बहुत दिन से ख़राब हो रही थी, ये सहारनपुर को जोड़ती है, और इसका अभी हमारे माननीय निशंक जी ने, जो सांसद जी ने, आज इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं दोबारा इसका, और ये अच्छी क्वालिटी की नई सड़क बनेगी। चलिए, क्वालिटी को लेकर के तो जांच पड़ताल हम करते रहेंगे, तकरीबन 4-5 साल से सड़क जो है ख़राब पड़ी हुई थी, और इसके बाद जो है आपको लगता है कि क्या इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ज़्यादा मिलने वाला है? देखिए, जब चुनाव के समय जब सड़कें बननी शुरू होती हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, ये चुनाव से इसका मत जोड़िएगा, चुनाव की बात तो ये है कि आज आम जन का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सड़क एक इसलिए है कि चूंकि अभी इसका बहुत दिन से ये टूटी हुई थी, यहाँ पर रेलवे लाइन गई है, फिर दूसरे योजनाएं यहाँ पर निकल रही थी,
तो और उससे जिससे की वजह से यहाँ पर आवागमन से ज़्यादा टूट फूट हो गई थी और वो अब रिपेयर हो गई है, नई सड़क आपको बना के दे रहे हैं जनता के लिए। एक प्रॉब्लम है जो हमेशा देखने को मिलती है वो है ड्रेनेज। सड़कें बन जाती हैं, सड़कें कई जगह बनी हैं, रुड़की पूरा जल से भरा हुआ है, पूरे हरिद्वार, या अब हरिद्वार में जाइए, प्रेमनगर आश्रम का एरिया हो, रानीपुर का एरिया हो, हर एरिया जल से पूरा भरा हुआ है। बारिश अभी पूरी हुई नहीं है, आधी अधूरी बारिश है, शुरुआत है अभी। इस हालात में पूरे शहर, पूरे लोकसभा की बात करूँ, अलग अलग विधानसभाओं का जिक्र करूँ, सब जगह की स्थिति यही है। तो ड्रेनेज का जो सोल्यूशन है, क्या आपको नहीं लगता कि इन जो भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको सुव्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से काम करना पड़ेगा? देखिए, जो एक मूलभूत इसकी समस्या यह है कि शहरों में जितना गांव से शहर की तरफ लोग बाग जा रहे हैं, बहुत सारी कॉलोनीज अवैध रूप से बन रही है। सरकार ये कहती है भाई आप HRDA के माध्यम से उनको चिन्हित करके बनाइए, उसमें सब चीज़ करिएगा, वो नहीं हो पाती हैं। और एक बारिश के टाइम में वो सारी चीज़ें खामियां नज़र आ जाती हैं, लेकिन सरकार इस बारे में चिंतित है। और वो ड्रेनेज की समस्या पूरे हरिद्वार में है, हर जगह है, रुड़की में भी है, झबरेड़ा में भी है, मंगलोर में भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये ड्रेनेज की समस्या भी दूर हो जाएगी। चलिए, वो समस्या कब दूर होती है, जब भी दूर होगी आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क, और भी लोगों से हम बात करते हैं। हाँ, निशंक जी जो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, निशंक जी आ रहे हैं आज, इसका उद्घाटन करेंगे, उस शिलान्यास करेंगे, उसके बाद उद्घाटन भी करने आएंगे कुछ दिन के बाद। और दिन का दिन या चुनाव से पहले आएंगे, चुनाव के बाद? नहीं, दिन चुनाव से पहले ही इसकी सड़क बन जाएगी और चुनाव के बाद भी, चुनाव में जीत कर भी, और दूसरी योजनाएं लाएंगे केंद्र से यहाँ। आज का कार्यक्रम लेकर के कि जो आज सड़क का जो निर्माण किया, निर्माण का मतलब इसकी शुरुआत हो रही है, इसका शिलान्यास किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के प्रयास से सफल हुआ है। और वो प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका कद इतना बड़ा था कि वहाँ यहाँ के लोगों की भावना का उन्होंने आदर किया है, और आज बहुत मजबूत यहाँ के सांसद हैं, और मुझे उम्मीद है अगले प्रत्याशी भी वही होंगे। और उन्होंने यहाँ के लोगों की भावना को अमल किया है, और बहुत सराहनीय कदम है। ये प्रदेश स्तरीय मार्ग है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ने का काम करें, और हजारों लाखों लोग इस पर रोज चलते हैं। इसमें जो भूमिका है, क्या यहाँ के विधायक की होगी, है या नहीं है? विधायक तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सब जाना है कि इतनी बड़ी योजना बगैर प्रदेश सरकार के तो हो नहीं सकती। तो इसमें मूल रूप से जो है, मैं समझता हूँ, ये श्रेय निशंक जी को। मंगलौर से लाठर देवा हूँ और झबरेड़ा होते हुए खड़खड़ी दयाला तक जो 10.778 किलोमीटर की लंबी सड़क का शिलान्यास हुआ है, ये 8,22,00,000 की लागत से बनेगी, और इसी के साथ बहुत सारी सड़कों का शिलान्यास भी हुआ, कुछ सड़कों का उद्घाटन भी हुआ जो आसपास की विधानसभाएं थी, झबरेड़ा और अन्य। मुझे खुशी है कि जिसकी एक बहुत लंबे समय से मांग थी, वो मुख्यमंत्री घोषणा के तहत आज वो क्रियान्वित हो रही है, आज उसका शिलान्यास है। मैंने ये आग्रह किया है कार्यदायी संस्था से कि इसकी गुणवत्ता हर कीमत पर बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ये शिकायत रहती है कि सड़क की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है। इसलिए मुझे भरोसा है कि इसकी गुणवत्ता हर हाल में ठीक होगी। इस क्षेत्र में जो अभी रेल मार्ग बन रहा है उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। जो देवबंद रोड की जो रेल मार्ग है, वो झबरेड़ा उसका महत्वपूर्ण केंद्र होगा, और वो लगभग 800 करोड़ की लागत से बन रहा है, वो भी इस क्षेत्र के विकास में एक गंगा की धारा की तरह आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी सड़कें निर्मित हो रही हैं, कुछ निर्माण हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि झबरेड़ा को पूरी ताकत के साथ संयुक्त रूप में उसको विकसित करने का हम लोगों का मिशन है। इससे पहले देशराज जब हमारे विधायक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इस नगर के जो अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छा, जो नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट विकास को आगे बढ़ाना चाहती है, उस विकास में किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हो, इसको भी सचेष्ट होते हुए गवर्नमेंट हमेशा काम करती है, मेरी भी प्राथमिकता रहती है। डेडलाइन क्या रखा है इसको, कितने समय में ये चीज़ पूरा हो जाएगा?
क्योंकि इसके पहले भी इनॉग्रेशन बताया गया कि इसके पहले भी हुआ था, रुक गया, तो अभी ये डेडलाइन कब तक रखा गया, कब तक ये पूरा होने के चांस है? देखिए, शासनादेश अब हुआ है इसका, और शासनादेश होकर के अब पैसा भी रिलीज हो गया, तो मुझे लगता है कि मानकों के अनुसार एक निर्धारित समय के अंदर अंदर कम समय में ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं, इसका एक चार्ट बना करके मैं विभाग से लूँगा और स्वयं भी उसको देखूँगा। इलेक्शन से पहले बनने की संभावना है कि इलेक्शन से पहले बन जाएगा, क्योंकि 9 महीने का वक्त है अभी? मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बन गया होगा, हमारी कोशिश होगी कि तब तक बन जाए, लेकिन कई बार जल्दी के काम गुणवत्ता को गिराते हैं, तो हम उनको ये कहने का मौका नहीं देंगे कि साहब आपने तो जल्दी जल्दी चुनाव के कारण, हम चुनाव के कारण जल्दी कभी हमने काम नहीं कराए, चुनाव तो होगा, जो जो तो जनता के हाथ में है, जनता सबकी मनस्थिति देखती है और सबकी मानसिकता भी परीक्षित करवाती है, परीक्षण करती है कि कौन क्या सोचता है, करता क्या है, इसलिए हमने चुनाव के लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं, हम तो जनता के लिए काम करते हैं। रेलवे ब्रिज के नीचे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस बढ़ गया है और भर जाता है बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि कई गाड़ियाँ फंस जा रही हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका निस्तारण करेंगे, क्योंकि बहुत जगह ये शिकायतें आ रही हैं कि रेलवे के जो ओवर ब्रिज बने हैं, कोई अंडर पास बने हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ये समस्या है, इन समस्याओं का निदान करेंगे, लेकिन आपको खुशी होगी कितने कम समय में रेलवे के क्षेत्र में हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं। आज हरिद्वार अकेला जो आज़ादी के 60 साल में जितना काम रेलवे का नहीं हुआ होगा, इन 7 सालों में हुआ, मुझे बहुत खुशी है। आज कांवड़ मेला की भी बैठक मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, उसी बैठक में मुझको भी जाना है, और हम कांवड़ मेला बहुत अच्छा है, देखिए कितनी बड़ी बात है कि जितनी हमारी जिले की कुल जनसंख्या है उसके कई गुना ज़्यादा लोग हर दिन इस हरिद्वार में रहते हैं, हर दिन रहते हैं, तो छोटी बात ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इससे बड़ी सुख की क्या बात हो। कांवड़ मेला भी बहुत अच्छा हो जाए, उसकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, ये जो सड़क का है वो सड़क व्यवस्थित हो, और किधर से कांवड़ ने जलना है और किधर निकलना है, इस पर भी प्रशासन के साथ आज बैठक हो रही है। हरिद्वार जिले के कई विधानसभाओं में जल जो है भराव है बहुत ज़्यादा हो चुका है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम पूरे हरिद्वार में है, तो इसका मतलब क्या प्लानिंग के साथ चीज़ें नहीं बन पा रही है, सड़क नहीं बन पा रहा है क्या? सब भी नहीं है, अब आप देखिए ना कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे है जो गंगा का जो है वो 24-25 जो गाँव हैं हमारे ऐसे हैं जिसमें हमेशा ही जो है, अब हमने वहाँ तटबंध भी बना दिए, लेकिन प्रकृति के साथ तो नहीं लड़ सकते ना आप, उसके साथ समाधान कर सकते हैं, तो समाधान गवर्नमेंट कर रही है। देखिए बहुत सारे विषय हैं जिन चीज़ों को लेकर के आज ये मंगलौर झबरेड़ा की जो ये मार्ग है ये मुख्य मार्ग मान जाती है, कई दिनों से ये बहुत ही समस्या थी इसको लेकर के, कई सालों से इस पर विचार विमर्श किए जा रहे थे, लेकिन आज इसकी शुरुआत कहने की बात कि आज से शुरुआत हो जाएगी, अब देखना ये होगा कि गुणवत्ता को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है वो कैसे बनता है, और बहुत सारे विषय को लेकर के हम बात करेंगे, और ये विधानसभा झबरेड़ा है तो झबरेड़ा विधायक से भी हम बात जरूर करेंगे। तो देखिए जिस सड़क का जिक्र कई वर्षों से लगातार हो रहा था कि सड़क बना नहीं, जब आप सड़क पर चलते थे तो सड़क कम गड्ढे ज़्यादा दिखाई देते थे, आज उसका शिलान्यास हो गया है, शिलान्यास किया भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा हुआ था और डॉक्टर निशंक जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, उन्होंने शिलान्यास किया, विधायक वीरेन जाति भी मौजूद थे, बाकी सबके ऊपर पटका था भारतीय जनता पार्टी का, इनके पास नहीं था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है। बिल्कुल, मैं कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस परिवार का मैं। ऐसा कई बार होता है ना जब भारतीय जनता पार्टी के कई लोग साथ में बैठे हों तो अचानक ऐसा लगता होगा कि यार मैं भी पहन लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मैं कुछ ही शब्दों में इस बात को क्लियर कर देता हूँ, कोयले की खान में हीरो को आप डाल दो पर उसकी चमक जो है वो चमक बरकरार और सदा रहेगी। ये अलग लेवल की बात है, जो समझने वाले हैं वो समझ रहे होंगे और वही समझें, मैं समझा नहीं रहा हूँ। खैर मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि ये जो सड़क है, मैंने मानवेंद्र जी से भी बात की, सवाल ये है कि क्रेडिट का ना बड़ा हिसाब किताब चलता रहता है, जब विधानसभाओं में जाओ अलग अलग विधानसभाओं में हर कोई क्रेडिट पे ही लड़ाई लड़ रहा है कि भाई बनवाया किसने, करवाया किसने, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ करवाया किसने, बनवाया कौन रहा है? चलो जब आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं बता भी देता हूँ, वैसे मैं बड़ा ब्रॉड माइंड सेटअप है मेरा, मुझे तो काम होने से मतलब है, पर जब आप पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुझे इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अब लोग क्रेडिट ले रहे हैं पर पिछले 5-6 साल से जो लोग क्रेडिट लेने वाले थे वो लोग कहाँ थे, क्या वो सोए हुए थे? अक्षेत्र में आकर के उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा सड़क मार्ग जिस पे उत्तर प्रदेश तक के लोग चलते हैं वो इतनी ख़राब स्थिति में है, तब उनकी आंखें नहीं खुली, आज आए और क्रेडिट लेने चले आए। मैं
खाली हवा हवाई बात नहीं करूँगा, मेरे पास पूरे इसके डॉक्यूमेंट्स और साक्ष्य हैं। कब कब मैं प्रमुख सचिव से मिला, कब कब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, कब कब हमने इसकी विभागीय समिति गठित कराई और कब कब हमने विभागीय समिति के अनुरूप जो जो इसके टेस्ट मांगे गए, सोयल टेस्ट, क्रश टेस्ट, वो आधुनिक मशीनों से हमने करवाए, और कब कब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कब कब हमने ज्ञापन दिया, कब उनसे जाकर के रिक्वेस्ट की, और कब इसका प्राकलन गठित हुआ और कब इसके रेट रिवाइज हुए, और कब टेक्निकल जो एडवाइज़र हैं वहाँ PWD के, कब उनसे रिक्वेस्ट करके इस इन चीज़ों को कराया, और SAS तक में हमने इसका टेंडर लगवाया। SAS केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैसा है। अगर आदरणीय निशंक जी इतने ही अपने कार्य में विकास कार्यों को लेकर के इतने गंभीर होते तो पौड़ी की विधानसभा में SAS से यानी केंद्र सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपया वहाँ के MP ले आए, और जनपद हरिद्वार में SAS के पैसे में हम लोग जीरो हैं। तो तब जाकर के 20 जनवरी को राज्य वित्त से इसका टेंडर लगा, राज्य वित्त से इसकी स्वीकृति मिली है, और मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स जो है मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन पर आप ज़रूर देखेंगे इन चीज़ों को। मेरा सवाल ये है, चूँकि मानवेंद्र जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो पैसा है अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो पैसा राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार दे, पैसा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ हो रहा है। देखिए, सरकार आमजन की है, सरकार मैं कहता हूँ आमजन की है, भले उसे दल कोई भी चला रहा हो, हमारे दिए टैक्सेस से, रिवेन्यू से सरकार चल रही है, आमजन का पैसा है, कोई उन्होंने खुद की जेब से पैसा निकाल। किसकी सरकार में स्वीकृति हो रही है सरकार, तो बीजेपी की सरकार में स्वीकृति हो रही है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आमजन की सरकार है सरकार। जब आप विधानसभा में देखेंगे, जब आप विधानसभा में विधायी कार्य होते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे सरकार ये नहीं कि आप विशेष रूप से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस पर कांग्रेस के दल के लोग भी चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दल के लोग भी चलेंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम ही कराया तो पिछले 6-7 सालों से कहाँ सो रहे थे ये लोग। उन्होंने ये बात भी कहा कि विधायक वीरेन जाति का भी कहीं ना कहीं सहयोग है, उन्होंने सहयोग का जिक्र भी किया था। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो आपसे, आपने मुझसे सवाल ऐसा कर लिया, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भाई विकास के कार्यों को लेकर के हम सबको एकजुट होना चाहिए, और मैं भी विकास कार्यों को लेकर के सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वालों में से हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कई वर्षों से लगातार ये समस्या थी। अच्छा, एक सवाल जो मैंने सबसे किया कॉमन, वो ये है कि कितने वर्षों में या कितने समय में, कितने महीनों में ये बन के तैयार हो जाएगी? जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि इस जल्दी का डेफिनेशन किसी ने दिया नहीं, फिक्स टाइम नहीं दिया कि हाँ भाई हमारी जो प्लानिंग है इस समय तक हो जाए, उस समय तक हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरी प्लानिंग है, मैं इसे जल्दी से जल्दी लगभग मैं प्रयास करूंगा कि अधिकारियों पर दबाव बना करके, कॉन्ट्रैक्टर्स पर दबाव बना। शंकर जी ने कहा दबाव नहीं बनाना है। नहीं, दबाव क्यों नहीं बनाना है, अगर हमें अच्छी गुणवत्ता के साथ काम कराना है तो हमें दबाव तो गुणवत्ता के लिए बनाना पड़ेगा। कार्य को कार्य के अनुरूप और उसी समयावधि में कार्य पूर्ण हो तो उसके लिए तो दबाव हमें बनाना पड़ेगा। दबाव मैं मानता हूँ दिसंबर तक इसको कंप्लीट होना चाहिए, नवंबर दिसंबर के आसपास इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बीच में अभी बरसात भी आ गई, तो हो सकता है कि बरसात पे भी निर्भर करेगा, मौसम पे भी निर्भर करेगा। अगर मौसम ऐसे ही ख़राब रहा तो मैं मानता हूँ कार्य हो सकता है विलंब हो जाए। विलंब का मतलब कितना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, ये उसके पहले हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं प्रॉफिट और लॉस विकास कार्यों में नहीं देखता हूँ। आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर मैं राजनीतिक लोग जो हैं थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड से सोचते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा इधर सलेमपुर में भी, कृष्णानगर में भी, मैं वोट के लिए विकास कार्यों को और वोट को अलग रखता हूँ। मैं मानता हूँ नवंबर दिसंबर तक, आई थिंक नवंबर दिसंबर तक पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, प्रयास के पूरे पुरजोर प्रयास करें। रेलवे लाइन जो जारी है उसके नीचे जो जल भरा हुआ है ना, हालांकि जल भराव की समस्या तो पूरे पूरे क्षेत्र में, पूरे हरिद्वार में ही है, ये भरा हुआ है, इस समस्या का समाधान कब होगा, क्योंकि कई गाड़ियाँ फंस जा रही हैं? एक मिनट, मैं आपको पूरा का पूरा ही मैं इसका ब्रीफ कर देता हूँ। शॉर्ट में चाहता हूँ कब तक हो पाएगा, क्या आप मुझे शॉर्ट में चाहते हैं तो मैं बता दूँ, लगभग 10 मई इस मौसम को देखते हुए 10 मई को मेरे द्वारा रेलवे विभाग को पत्र लिखा गया था कि विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में जितने भी अंडरपास हैं उन सबको आप शेड करके, पूरा कंप्लीट करके शेड लगा दीजिए, ताकि जल भराव की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने इस प्रोसेस में टेंडर लगा दिया है, पर अभी काम चालू नहीं हुआ। मैं मानता हूँ जल्दी काम चालू हो जाएगा और जल्दी ही इस जल भराव से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। चलिए देखना होगा दोस्तों, उसकी कॉपी भी जो मैंने पत्र लिखा था पत्रवाह के, उसको भी मैं आपको भेज देता हूँ। तो दोस्तों ये देखना होगा कि आगे चल करके कितने समय में ये समस्या का समाधान हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये होगी।
और डॉक्टर निशंक ने इसका शिलान्यास किया है। विधानसभा झबरेड़ा थी। एक अंत में छोटा सा सवाल कि आखिर कुछ ऐसे भी सड़क थी जिसका लोकार्पण डॉक्टर निशंक जी ने किया और फुरकान अहमद जी उस विधानसभा के विधायक हैं, वो यहाँ पर नहीं आए क्यों? आप तो कांग्रेस के यहाँ पर आ गए, वो भी कांग्रेस के, वो क्यों नहीं आए? देखिए आदरणीय फुरकान विधायक जी नहीं आ पाए, इसका कारण मुझे भी नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कि आखिर ये आपके हिसाब से कब तक बन जाएगा, क्या ये राजनीति है या राजनीति नहीं है, क्रेडिट को किसके पास जाना चाहिए किसके पास नहीं जाना चाहिए, खुलकर के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।